Hello everyone, welcome you all to YouTube channel Life is Awesome Civil Engineering Plans। आज इस वीडियो में आपको रूम का हाइट कितना रहना चाहिए, विंडो का हाइट और वेंटिलेटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वेंटिलेटर का साइज़, कुछ नॉर्मल जो हम यूजुअली डायमेंशंस यूज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको इसी तरह से और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो देखिए ये एक 30-40 साउथ फेस का प्लान है एंड इसमें आज हम आपको बताएंगे कि रूम का हाइट, विंडो का साइज़ कितना रहना चाहिए, फिर नेक्स्ट डोर जो भी मेन डोर आ जाते हैं ना, मेन डोर का साइज़ कितना रहना, और किचन, किचन में जो आप देख सकते हैं किचन में जो विंडो है उस विंडो का साइज़ कितना रहना हाइट में और विड्थ में। तो देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स ऑल्सो एंड सपोर्ट मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। इसी तरह से आपको कोशिश करेंगे कि और बेहतरीन से बेहतरीन प्लान्स आपको देने की हम कोशिश करते हैं, कुछ रियल कंस्ट्रक्शन वॉक थ्रू या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलते रहेगा। डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स भी दिया गया है दूसरे वीडियो को एंड ग्रुप भी है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको भी हेल्पफुल हो सकता है उससे, ग्रुप से। और आप भी अपना PDF फाइल या फिर घर का कुछ फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन प्लान सेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, और आपका बनाया हुआ प्लान को जो हम पूरा लोगों को दिखा सकते हैं अपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहाँ पे भी है लोग जिनको नया घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं हमारे इंडिया वाले, ओके, उनको हेल्पफुल हो सकता है। एंड पेड प्लान परपोज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। कुछ फ़ीस रहेगा मिनिमम फीस, तो उस फीस के पे करने के बाद आपको प्लान मिल जाएगा। अब हम फर्स्ट बात करते हैं रूम का हाइट कितना करना। फर्स्ट ऑफ ऑल रूम की हाइट के बारे में, ये यहाँ से लेके यानी कि आपका ये फर्स्ट लेवल या फिर बेसमेंट लेवल आ जाएगा, बेसमेंट लेवल वहाँ पर आप प्लिंथ बीम देख सकते हैं, प्लिंथ बीम से नेक्स्ट ये टोटल रूम का हाइट आता है करीब 11 फीट लीजिए, ज़्यादा हाइट लीजिए, अगर कम हाइट भी मत लीजिए, बिकॉज 11 फीट, 10.5 से लेके 11 फीट तक आप ले सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम नॉर्मल, टोटल रूम का हाइट हो गया लिविंग स्लैब, ओके, सीलिंग हाइट बता रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट क्लियर हाइट आपको 11 फीट। फिर नेक्स्ट यहाँ से ये वाला, अब नेक्स्ट आते हैं लिंटल का हाइट कितने पे आना, देखिएगा ये आपका बेसमेंट लेवल से, फिर नेक्स्ट आते हैं आपका 7 फीट, एग्जैक्ट 7 फीट रहना चाहिए, ओके, 7 फीट। फिर उसके बाद 6 इंच का जो है आपका लिंटल आ जाएगा, लिंटल, थ्रो लिंटल, कट लिंटल, दो टाइप के हैं। आप थ्रो लिंटल बनाए तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा बट बहुत मजबूत रहेगा। थ्रो लिंटल के बाद नेक्स्ट आता है आपका ये, यहाँ तक जो है थ्रो लिंटल लगा है, थ्रो लिंटल के बाद नेक्स्ट आता है आपका टोटल हाइट, यानी कि 3.5, देखिएगा 7 फीट प्लस 6 इंच लिंटल, 7 फीट 6 इंच हो गया, फिर उसके बाद 3 फीट प्लस 6 इंच, तो आपका टोटल 11 फीट तक हो गया। 11 फीट में क्या है, आपका बीम भी इंक्लूड रहेगा विदाउट स्लैब, ओके। फिर हम बात करते हैं विंडो इन द बेडरूम्स, बेडरूम में विंडो का साइज़ कितना रहना। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं विंडो, ये बेडरूम में है, बेडरूम में विंडो जो है बेसमेंट लेवल से 3 फीट तक ऊपर आएगा, फिर विंडो का हाइट जो है लगभग 4 फीट आ जाएगा, ओके, 4 फीट। अब नेक्स्ट आता है विड्थ, तो नॉर्मल साइजेस बता रहा हूँ मैं, 4x4 भी ले सकते हैं या फिर 3 फीट लेंथ, हाइट जो है 4 फीट ले सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है 5 फीट, तो ऑलमोस्ट नहीं लिया लेते हैं विड्थ में, हाइट में जो है 4 फीट कॉमन रहेगा, सो 4x4 या फिर 3x4 भी ले सकते हैं। अगर आप दो विंडो लेना चाहते हैं तो 3x4 दो ले सकते हैं, या फिर 4x4 का ही एक ही ले सकते हैं। अगर आपका बड़ा है बेडरूम तो दो विंडो ले सकते हैं, या फिर एक ही विंडो बड़ा लेना चाहते हैं तो 5x4 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिलेटर साइज़, तो वेंटिलेटर का विड्थ जो है ऑलमोस्ट 2.5 तक ले सकते हैं, 2.5x1.5, 2 फीट इसका विड्थ रहेगा, 1 फीट 6 इंच जो है इसका हाइट रहेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन 2 फीट 6 इंच x2 फीट भी ले सकते हैं ये वेंटिलेटर का साइज़, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं डोर का साइज़, बाथरूम में जो डोर रहते हैं ना उनका क्या साइज़ रहना, मान लीजिए ये आपका बाथरूम का डोर है, तो बाथरूम का डोर का साइज़ जो है 2 फीट 9 इंच एक स्टैंडर्ड साइज़ है, जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इस्तेमाल किया गया था एंड कंफर्टेबल है, बिकॉज हमारा टॉयलेट रूम का साइज़ ऑलमोस्ट नॉर्मली 6x4 या फिर 7x4 रहते हैं, जिनके जगह एक 30-40 या 40-30 प्लॉट है वहाँ पर बता रहा हूँ मैं, आप वो तो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द पर्सन, लैंड साइज, उस पर डिपेंड करेगा, फिर भी एक स्टैंडर्ड साइज़ में नॉर्मली 2 फीट 6-9 इंच तक ले सकते हैं आप विंडो का साइज़, टोटल स्पैन,
एंड फिर नेक्स्ट आता है मेन डोर। देखिएगा मेन डोर में भी बहुत सारे मेन डोर्स हैं, जैसे कि उनका बजट के हिसाब से रहता है। देयर आर मेनी टाइप। द नॉर्मली हम रेगुलर में यूज़ करते हैं वो है मेन डोर का साइज़ 5 फीट क्लियर स्पैन छोड़े जाते हैं, या फिर 4 फीट 6 इंच तक भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको उसके बाजू में आपको कुछ ग्लासेस रखना है, तो एक साइड ग्लास रखिए, एक साइड ओपनिंग रहेगा, तो टोटल आपको 4 फीट 6 इंच से लेके 5 फीट इन बिटवीन तक मेन डोर का साइज़ आप रख सकते हैं। हाइट नॉर्मल 7 फीट। ओके, फिर नेक्स्ट आता है किचन में जो विंडो रहता है, किचन का विंडो का साइज़ कितना रहना। किचन का विंडो का साइज़ देखिए ऑलमोस्ट साइज़ के हिसाब से रहता है, जो किचन में जितना आपको जगह मिल रहा है उसका मेन इंपॉर्टेंस है। विड्थ में जो है स्टैंडर्ड साइज़, जस्ट नॉर्मल एक रेगुलर साइज़ बता रहा हूँ मैं, रेगुलर साइज़ जो है विड्थ में 4 फीट रख सकते हैं, हाइट में जो है 2 फीट 9 इंच से लेके 3 फीट तक हाइट रख सकते हैं, थोड़ा सा हाइट इसका कम रहेगा। फिर नेक्स्ट डोर का साइज़, यहाँ पर जो डोर बनता है ना, डोर जो है आपको 2 फीट 6 इंच या फिर 2 फीट 9 इंच तक रख सकते हैं, 2 फीट 9 इंच रख ले, जो आपको टॉयलेट रूम में रखते हुए। पूजा रूम में देखिएगा वो 2 ओपनिंग रहते हैं पूजा रूम में ऑलमोस्ट, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप 3 फीट का छोड़ दीजिए, 4 फीट का आपका पूजा, सॉरी 3 फीट का आपका पूजा रूम आता है ना, तो 2 फीट 6 इंच तक ले सकते हैं, 1 फीट 3 इंच एक डोर, 1 फीट 3 इंच दूसरा वाला डोर, इस टाइप में। एंड नेक्स्ट आता है बेडरूम। तो बेडरूम में डोर का साइज़ क्या रहना, ये आपका बेडरूम है 3 फीट 3 इंच से लेके 3 फीट 6 इंच तक छोड़े जा सकते हैं, तो 3 फीट 3 इंच क्लियर स्पैन रहा तो बेस्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट आता है रेंट पोर्शन के लिए मेन डोर का साइज़ कितना रहना। रेंट पोर्शन के लिए मेन डोर का साइज़ आप लगभग ले सकते हैं 3 फीट 6 इंच। ओके, मेन डोर साइज़ फॉर रेंट पर्पज़ 3 फीट 6 इंच ले सकते हैं, या फिर 3 फीट 9 इंच भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आज मैं देना चाह रहा था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय देके वीडियो को पूरा अंत तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा, शेयर करते रहेगा वीडियो को व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम पर, जहाँ हो चाहे आप वहाँ पर सपोर्ट करते रहेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।